फतेहपुर जिले के चांदपुर थाने के अयोध्या का डेरा गांव में घर में लगी आग ने सब कुछ जलाकर तहस नहस कर दिया। बता दें कि दंपत्ति ने गेहूं काटने का ठेका घर से कुछ ही दूरी पर लिया था। सुबह करीब 4 बजे के आसपास दंपत्ति मोमबत्ती जलाकर बच्चों को सोता छोड़कर चले गए थे। घर के भीतर 2 बेटियां सो रही थी, इसलिए बाहर से ताला लगाकर चले गए कि तभी मोमबत्ती की चिंगारी से निकली आग ने देखते ही देखते सब कुछ अपनी जद में ले लिया। बाहर से दरवाजा बंद होने की वजह से दोनों बच्चियां, जिसमें एक की उम्र 2 साल और दूसरे की उम्र 5 साल बताई जा रही है, 2 साल की मासूम ने तो मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि 5 साल की बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए उसे इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया था, जहां उसने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। खेत पर काम करने गए परिजन ग्रामीणों की सूचना के बाद जब मौके पर पहुंचे, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। घर में मौजूद लाखों के सामान के साथ 5 बकरियां भी जलकर मर गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कैसे घटना हुई? खेत काटने गए, सवेरे आए तो एक बेटी खत्म हो गई, एक कानपुर में भर्ती है, पता नहीं कैसे क्या हो गया, पूरा सामान घर नाश हो गया। कैसे लगी? दीपक कुमार है, ये मेरे पड़ोसी हैं राकेश चाचा, और ये 4 बजे करीब चले गए गेहूं काटने के लिए, जो ठेका लिए थे, तो उसके बाद में दिलारी जला गए थे क्योंकि लाइट आ नहीं रही है कल से, तो बच्चे सो रहे थे, अचानक पता नहीं कैसे आग लग गई। सुबह जब देखा तो बहुत तेज आग लगी थी, तो फिर गांव वाले आए, फिर उनको आ गए, इस वजह सभी लोग बुझाते रहे लेकिन असफल रहे, आग क्योंकि इतनी तेज पकड़ ली थी कि घर पूरा तहस नहस, एक बच्ची डेथ हो गई और एक अस्पताल में भर्ती है, और उसके घर में न ज़्यादा खेती है न कुछ है, गांव का सबसे कमजोर आदमी व्यक्ति है। ग्राम अयोध्या का डेरा थाना चांदपुर जनपद फतेहपुर में राकेश पुत्र शिवनंदन का घास फूस की झोपड़ी थी, जिसमें इनकी 2 पुत्रियां सो रही थी। पति पत्नी घर में दिया जलाकर गेहूं काटने के लिए खेत चले गए थे, दिए की वजह से घर में आग लग गई, जिसमें इनकी दोनों बच्चियां चपेट में आ गई। तत्काल सूचना पर थाना चांदपुर की पुलिस मौके पहुंची और वहां पर आग पर काबू पाया और दोनों बच्चियों को बाहर निकाला। एक बच्ची की मृत्यु तत्काल वहीं पर हो गई थी और एक बच्ची की हालत नाजुक थी, जिसे हाईलाइट कानपुर रेफर किया गया, जिसकी भी मृत्यु इलाज के दौरान हो गई है। इस संबंध में थाना चांदपुर द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।